हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ भाई, स्वागत है आपका। लेक्चर नंबर 11 रहेगा अपना, 11/90। 180 वर्सेस 180, एक अलग ही मुहिम सीएलसी के द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई है, और नो डाउट अपने आप में स्टूडेंट्स के लिए ये कितना बेनिफिशियल साबित होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये सब कुछ भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यतेंद्र सर अगला चैप्टर रहेगा अपना। उम्मीद है ये लोग पढ़ के आएंगे, रिवाइज। हाँ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर, आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें, ये आपको सारे लेक्चर्स जो हैं ये सीक्वेंस में देखने हैं। ठीक है, और सीक्वेंस के रिजल्टेंट लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि आपको जो अगला चैप्टर रहेगा हिस्टोलॉजी वाला, उसको रिवाइज करके आना है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो नो डाउट आप पढ़ के आए होंगे। दो पार्ट रहेंगे यतेंद्र सर हिस्टोलॉजी के, बच्चों को बता दें। इसमें टोटल 95 क्वेश्चन रहेंगे। जो पहला अपना पार्ट है आज का, ये 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो गुरु निधि 180 वर्सेज 180, मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। मैं यतेंद्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। बिल्कुल बिल्कुल, तो चालू करते हैं। और आप सीक्वेंस से अगर वीडियोस देख रहे हैं तो नो डाउट हमें हमारे इंट्रोडक्शन की आपको आवश्यकता भी नहीं है वैसे, लेकिन कोई नया बच्चा जुड़ा है तो उसको बता दे फिर भी। एपिथेलियल के क्वेश्चन और कनेक्ट हुए। हाँ बिल्कुल, तो ये अब हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें एक दो बच्चे का कमेंट आया था, सर आप भी जो है टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को कर दें, तो हमने नो डाउट उसी अकॉर्डिंग किया है। चार प्रकार के बेसिक टिश्यूज जो बॉडी में पाए जाते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्व टिश्यू, तो इसको अपने क्लासिफाई कर दिया है चार ग्रुप्स में। ठीक है, इसमें से एपिथेलियम के सारे क्वेश्चन आज हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू के अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आज होंगे, और नेक्स्ट वाले जो हैं वो अगले लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ये दो वीडियोज अपने रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपन कहां से, क्वेश्चन नंबर 1 से। जी यतेंद्र सर, द इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट मे बी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच टाइप ऑफ एपिथेलियम, किस प्रकार की एपिथेलियम के डैमेज के कारण एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम की बात आएगी यतेंद्र सर, और वहां अगर बात करें तो किस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है, कोल्यूमिनर टाइप की एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस कोल्यूमिनर में भी एक मॉडिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पर जो है वो किस प्रकार की ग्लैंडुलर फॉर्म की पाई जाएगी, तो इसको अपन बोल देंगे सिंपल ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर टाइप की एपिथेलियम जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। और ब्रश बॉर्डर भी, ब्रश बॉर्डर, क्योंकि माइक्रोविलाइज भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया है, एक बार अपन बाहर ले आते हैं इसकी। जी ये सर, कलर कौन सा रखें, रेडी रख लेते हैं, रेड रखे। जी तो ये जो सिंपल कोल्यूमिनर है, अब एक ऑप्शन में सिंपल कोल्यूमिनर दिया होता, एक ऑप्शन में दे देता कौन सा, सिंपल ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथेलियम, तो यतेंद्र सर ज्यादा करेक्ट तो फिर ये ऑप्शन चला जाता, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ब्रश बॉर्डर का मतलब माइक्रोविलाइज बच्चों यहाँ पर पाई जाती है, और ग्लैंडुलर का मतलब सिक्रीशन की एबिलिटी भी, क्योंकि जैसे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट की बात हो रही है तो सीधा सा इंटेस्टाइन की बात हो रही है, इंटेस्टाइन की बात, वहां पर सीलिएटेड होगी नहीं, स्क्वैमस का रोल होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बॉर्डर को अगर ले तो वो किडनी की पीसीटी में होती है। बिल्कुल, किडनी के नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के मैक्सिमम पार्ट में क्यूबॉइडल देखे जाएंगे। ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तो माइक्रोविलाई की बात हो रही है। हां बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो यहां पर जो है वो ड्यूडेनम आनी चाहिए, जेजुना माना चाहिए, क्यों ये दिल्ली सर, जी जी, और क्या आना चाहिए, इलियम, इलियम। तो इस पार्ट में एपिथेलियम की बात हो रही है, कौन सी पाई जाती है, सिंपल ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर, कोल्यूमिनर, एपिथेलियम। यतेंद्र सर ने ये माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर भी बना दी है, और ये जो है कॉलम शेप्ड सेल भी यहाँ पर बना दी है। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चले आगे, तो सुनील जी एक चीज और बता दें, जो माइक्रोविलाई है वो कॉलमनर पर होगी, ठीक है, और क्यूबॉइडल पर होगी, लेकिन स्क्वैमस पर नहीं पाई जाएंगी, इरेगुलर बाउंड्री की जो स्क्वैमस सेल है वहां पर ये माइक्रोविलाइज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन में जो है क्यूबॉइडल और कोलमनर दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन क्यूबॉइडल जो है वो आपका नेफ्रॉन में, बिल्कुल ठीक बात है, न्यूट्रिएंट के रेस्पेक्ट में तो कोलमनर ही है, और वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में।
ठीक है, तो इन दोनों में भी कंपेयर करना हो ना, तो आप एक ट्रिक के रूप में मतलब इसको एक कंसेप्ट को जो है वो कोइंसाइड कर लें कि न्यूट्रिशन के रेस्पेक्ट में आए तो कोलुमनर चला जाएगा और नेफ्रॉन के रेस्पेक्ट में आए तो क्यूबॉइडल चला जाएगा। ठीक है, यही ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर टू। जी यतेंद्र सर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ पीसीटी, तो नेफ्रॉन जो है उसके अंदर जो पीसीटी है उसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है कि वो जो पीसीटी वाला पार्ट है वहां पर किस टाइप का टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एंड ब्रश बॉर्डर, यानी जो क्यूबिक सेल्स होती हैं उन पर माइक्रोवेला है। तो अभी अभी जो डिस्कस कर रहे थे अपन, तो यहाँ पर जो है पीसीटी वाला पार्ट और मैक्सिमम यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री जो है ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका चला जाता है। जैसा अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि नेफ्रॉन की बात आएगी तो क्यूबॉइडल आ जाएगा और न्यूट्रिशन की बात आएगी तो कोलुमनर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक बच्चों को एक पूरा कंसेप्ट याद करने के लिए एक सिंपल सा यतेंद्र सर मैं डायग्राम बच्चों के लिए बना देता हूँ। तो ये तो अपना हो गया बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल, ये इसकी नेक कहला गया, नेक, ये इसकी पीसीटी कहला गया, और पीसीटी के बाद लूप ऑफ एनले चालू होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग हो गया और ये असेंडिंग लूप ऑफ एनले हो गया। असेंडिंग का भी एक थिक पार्ट बनता है यहाँ आकर। ठीक है, उसके बाद ये डीसीटी कहला जाएगा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और फाइनली ये ओपन हो जाता है किसमें आकर, कलेक्टिंग डक्ट में आकर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखना है आपको, बाउमन कैप्सूल की बात करें तो आपको बोलना है स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस। ठीक है, इसकी नेक की बात करें और नेक के साथ में कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात करें तो ये कैसा कहलाता है, ये क्यूबॉइडल फॉर्म है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये चला जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, और यहां पर सुनिए कुछ नेक वाले पार्ट में सीलिएटेड भी बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सीलिएटेड क्यूबॉइडल फॉर्म भी यहाँ पर बताई जा सकती है। पूछ लेकिन नेफ्रॉन में सीलिएटेड गए तो नेक और कुछ डीसीटी कुछ पार्ट कुछ कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये जो सिंपल क्यूबॉइडल है यहाँ पर आप कह सकते हो सीलिएटेड, सीलिएटेड फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। और जैसा यतेंद्र सर ने अभी बताया था जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कौन सी पाई जाएगी, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये प्रेजेंट हो जाएगी। लूप ऑफ एनले की बात करता है तो लूप ऑफ एनले में फिर से कैसा आ जाएगा, स्क्वामस आ जाएगा। क्यों ये तीन सर, हाँ डिसेंडिंग में स्क्वामस, ये स्क्वामस आ जाएगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, असेंडिंग लिंब का थिक पार्ट कह दो, असेंडिंग लिंब का थिक पार्ट चला जाएगा और ये जो है ये डीसीटी की बात आ जाएगी, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, अगेन कैसा सिंपल क्यूबॉइडल टाइप आ जाएगा, लेकिन उस पे कोई माइक्रोवेला ही नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये नेफ्रॉन का एक पूरा ढांचा मैंने बना दिया है, इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये एग्जांपल किस रूप में याद रखने हैं, वो एक डायग्रामेटिक रूप से याद रखने हैं कि एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, तो फिर पढ़ना ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चले आगे, इसका आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर थ्री, पेवमेंट एपिथेलियम जो है वो सिंपल स्क्वेमस के लिए बात की गई है, इसको टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोला गया है। ठीक बात कहा आपने, इसको क्या कहा जाता है, टेसिलेटेड। तो इसको मैं थोड़ा सा बता दें, जी जी, टेसिलेटेड का मतलब तो हो गया इतेंद्र सर वेवी लाइक अपीयरेंस, वेवी अपीयरेंस, वेवी अपीयरेंस, वेवी अपीयरेंस जी। और पेवमेंट किस लिए कहा गया है, टाइल्स की तरह, जैसे फर्श में टाइल्स लगी होती हैं उसके जैसी अपीयरेंस आती है इसकी, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पेवमेंट एपिथेलियम। तो याद रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज बन सकती है कि फ्लोर में जो टाइल्स होती हैं वैसी अपीयरेंस के कारण एपिथेलियम को क्या कहा जाता है, पेवमेंट एपिथेलियम, और किस एपिथेलियम को टेसिलेटेड के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सी एपिथेलियम कहलाती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो आंसर कौन सा चलाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, चले आगे, और इसके लिए एक चीज और याद रख लेना, सेल कैसी होती है, इरेगुलर बाउंड्री की सेल्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात आ जाएगी अपनी,
क्वेश्चन नंबर फोर, स्टीरियोसिलिया आर प्रेजेंट इन, ठीक है। तो स्टीरियोसिलिया की अगर बात करें तो ये स्टोरेज का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं स्टोरेज करने के लिए, और ऐसी स्टीरियोसिलिएटेड फॉर्म पाई कहां पे जाती है, वास्ट डिफरेंस एंड एपिडिडाइमिस में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस चला जाएगा, आंसर देखिए कौन सा है, एपिडिडाइमिस दिया हुआ है, इसके अलावा और याद कर लेना, वास्ट डिफरेंस में भी पाई जाती है, ठीक है बच्चों। और ये जो स्टीरियोसिलिया यहां पर कहा है, इस स्टीरियोसिलिया के लिए आपको याद रखना है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ये कहलाते हैं, कॉन्वेक्शन, हाँ, और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है इनमें, मोटिलिटी नॉन मोटाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, बिल्कुल बिल्कुल, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हो गई, नॉन मोटाइल हो गई, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कहला गई। नॉन मोटाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल आपके जो माइक्रोविलाई है वो भी होते हैं, वो भी होते हैं, और मोटाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल सीलिया सीलिया होते हैं। और सीलिया में एक चीज आपको याद रखनी है, सीलिया जब अराइज होंगे तो ये जो एपिकल एंड होता है सेल का, इस एपिकल एंड पर बेसल ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, वहां से अराइज होने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, सीलिया कहलाती है। तो सीलिया कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस नहीं है, वो कहां से अराइज हो रहे हैं, बेसल ग्रेनुल से अराइज हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आंसर कौन सा चला गया, एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस, चले आगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, व्हिच टिश्यू इवॉल्वड फर्स्ट इन द एनिमल। तो सबसे पहले इवॉल्व की अगर बात करें तो वो तो एपिथेलियम ही अराइज हुआ है, तो इसमें देख लें आप कौन सा टिश्यू चला जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू चला जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले ये टिश्यू बना, बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का कहलाता है, तीनों का बिल्कुल। ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा था क्योंकि बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एपिथेलियम जो है तीनों ही जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, बिल्कुल। एक्टोडर्म से जैसे एपिथेलियम हो गया, ठीक बात है, एपिडर्मिस हो गया, और मीजोडर्म से मीजोथेलियम, ठीक है, जो सिंपल स्क्वैमस होता है, ठीक है, प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, ठीक है, और एंडोडर्म से एंडोथेलियम जो ब्लड वेसल की लाइनिंग, ठीक, तीनों से ही इवॉल्व हुआ है, तीनों से ही इवॉल्व हुआ है, तो आंसर चला गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, फिर आइडेंटिफिकेशन करना है हमें ए बी और सी के रेस्पेक्ट में, तो आपको नजर आ रहा है कि ए जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें लेंथ और जो विथ है वो दोनों बराबर होती है, स्क्वायर शेप में होती है, जी जी, ऐसा एक क्वेश्चन भी बनता है कि इसका कट सेक्शन अगर काटा जाए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाए, तो ये जो एपिथेलियम है ये किस प्रकार की नजर आएगी, स्क्वायर शेप की नजर आती है, चौकोर नजर आती है, और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर लेंथ के कंपैरिजन में जो विथ है, चौड़ाई है, वो ज्यादा है, और फ्लैट न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर बाउंड्री है, तो ये सिंपल स्क्वेमस हो गई, बिल्कुल। ये फिल्ट्रेशन के लिए या डिफ्यूजन के लिए इन्वॉल्व है, ठीक बात है, फिल्ट्रेशन के लिए आपका नेफ्रॉन हो गया, डिफ्यूजन के लिए लंग्स एल्वियोलाई, लंग्स की एल्वियोलाई होगी, और ये कॉलमनर सेल्स बच्चों को नजर भी आ रही है, जिनके फ्री सरफेस पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ, तो सीलिएटेड कॉलमनर इसको अपन कह सकते हैं। तो आंसर अपना ए तो क्या है, ये तो सर क्यूबॉइडल है, इसका मतलब ये ए क्यूबॉइडल है, बी स्क्वैमस है, क्या बी स्क्वैमस है, और सी सीलिएटेड है, सी सीलिएटेड, और सीलिएटेड भी कॉलम शेप की सेल है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। यहां पर एक चीज याद रख लेना भैया, सीलिएटेड कॉलमनर की अगर बात करें तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन, ठीक है। तो ये वाली जो है ये कहां पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, और वहीं स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनर की अगर बात कर लें तो फिर कौन सा चला जाएगा अपना, वास्ट डिफरेंस और एपिडिडाइमिस चला जाएगा, जो इसे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा है। फेलोपियन ट्यूब के अलावा ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इनमें भी बोल सकते हैं, वहां पर भी होती है, वहां पर वो सुडो स्ट्रेटिफाइड की फॉर्म में होती है, सुडो स्ट्रेटिफिकेशन की फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि वो कंपाउंड टाइप की नहीं कहलाती है, ठीक है। एक ब्रेन वेंट्रिकल में भी होती है ना, बिल्कुल, जिसको अपेंडाइमल एपिथेलियम, अपेंडाइमल, बिल्कुल। तो फेलोपियन ट्यूब एंड अपेंडाइमल एपिथेलियम, अपेंडाइमल एपिथेलियम ब्रेन में सीएसएफ का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करती है, तो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स पड़े हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल की जो लाइनिंग होती है वहां पर कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, अपेंडाइमल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर मोस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी एंड फेरिंक्स। इसका मतलब ये जो बकल कैविटी और फेरिंक्स की जहां ये बात कर रहे हैं वहां पर मैकेनिकल
और केमिकल स्ट्रेस से बचने के लिए एपिथीलियम चाहिए और वो स्ट्रेटिफाइड होगी। और वो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है बच्चों मल्टी लेयर की फॉर्म में पाया जाना, सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर की फॉर्म में पाया जाना, ठीक है। तो मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए ऐसी कौन सी होनी चाहिए, स्ट्रेटिफाइड होनी चाहिए। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब एपिथीलियम कौन सी कहलाएगी, कंपाउंड एपिथीलियम जो है वो अपना आंसर चला जाएगा। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर की फॉर्म में होगी, ठीक है। कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर की फॉर्म में ये पाई जाती है। और यहाँ पर ये बात याद रख लेना, ये जो एपिथीलियम होती है कंपाउंड एपिथीलियम, ये एपिथीलियम क्या करती है, प्रिवेंट फ्रॉम जी ये सर प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस कर दी, केमिकल स्ट्रेस। और ये जो है नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड कहलाएगी, केराटिन यहां पर नहीं पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन नहीं होता है यहां पर। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब मल्टी लेयर, स्क्वैमस होती है। और स्क्वैमस में वो पार्ट आ ही जाएगा डिफ्यूजन के लिए, ये बाउंड्री बनाती है। और किसके लिए, मतलब स्क्वैमस बोला है अगर सिंगल है सिंपल है तब डिफ्यूजन के लिए, तब डिफ्यूजन के लिए हो जाएगा। यहां पर ये स्ट्रेटिफाइड होगी तो ये टास्क, और मल्टी लेयर होते ही फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। तो अगर बकल कैविटी में देखे तो तालू हो गया, पैलेट, पैलेट हो गया, और जो चिक वाला लाइनिंग है, लिप्स की इनर लाइनिंग है, लिप्स की इनर लाइनिंग, चिक की लाइनिंग हो जाएगी, जो अपने हार्ड पैलेट है, और सॉफ्ट पैलेट का लोअर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इवन फेरिंग्स, फेरिंग्स में प्रेजेंट हो जाएगी, इसोफेगस में, और इसोफेगस में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एपिथेलियम कौन सी कहलाती है, कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और ये कैसे कहलाते हैं, या तो कवर करने का काम करेंगे या फिर ये सिक्रीशन का ये काम करते हैं। जी जी। तो फिर कवरिंग एंड सिक्रीशन, इसके बेसिस पर एपिथेलियम को डिवाइड किया गया है। तो ये कौन से हो जाएंगे भैया, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, चले आगे। सिक्रीशन मतलब वो ग्लैंडुलर नेचर का, वो ग्लैंडुलर, क्योंकि जहां ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात आएगी वहां एक चीज एनसीईआरटी ने लिखी है, कुछ क्यूबोइडल और कुछ कोल्यूमनर सेल्स जो है वो सिक्रीशन की एबिलिटी गेन कर लेती है, उन्हीं को ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्क्वैमस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, स्क्वैमस इन्वॉल्व नहीं है, कुछ कोल्यूमनर एंड कुछ क्यूबोइडल सेल्स। और सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर, उसमें भी स्क्वैमस इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल, उसमें भी स्क्वैमस नहीं है, सही कहा आपने, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो यतिन सर ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस कर दिया है इस चीज का कि कहां कहां स्क्वैमस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, Which type of epithelium is best suited for rapid filtration? Filtration की बात हो रही है, इसका मतलब है कि वो जो है ऐसी होनी चाहिए जिसका thickness कम हो, thickness कम हो, और easily जो है वो filtration की बात, और single layer की रूप में पाई जाए। जी, तो ये simple squamous जो है उसी की बात, और stratified तो नहीं आएगी, simple सी बात है। तो फिर कौन सा चला जाएगा, option number 1st चला जाएगा, ठीक है, simple squamous, simple squamous। Next question आएगा question number 10, epithelium that appear layered due to the varying level at which nuclei are found in the cell, but in reality it is not layered, ठीक है। तो ऐसी epithelium ये क्या कहलाती है भैया, इसको pseudo stratified columnar epithelium कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, यतिन सर ने आपके सामने डायग्राम भी बना दिया है, कुछ सेल जो है वो तो कॉलम शेप की होती हैं, और कुछ सेल जो है वो नीचे ही रह जाती हैं, apex तक नहीं एक्सटेंड कर पाती हैं। तो वेरिंग लेवल ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अलग अलग लेवल हो जाने के कारण तो ये मल्टी लेयर दिखाई देता है, लेकिन सारी की सारी सेल एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को, बीएम का मतलब है एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं जो होता है वो तो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। हिंदी वाले बच्चों के लिए आभासी स्तरित कह सकते हैं, आभासी स्तरित उपकला इसको कहा जाता है, कहने का मतलब जो दिखाई देता है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। अब सवाल बनता है कि ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर क्यों दिखाई देती है, तो डायरेक्ट याद रखना है वेरिंग लेवल ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अलग अलग लेवल हो जाने के कारण, कहने का मतलब कॉलम शिफ्ट की सेल है बेसल न्यूक्लियाई कहलाएगा, और जो बेस में ही सेल रह गई है एपेक्स तक नहीं पहुंच पाई है वहां पर सेंट्रल न्यूक्लियाई हो जाएगा। तो डिफरेंट लेयर की तो ये इसलिए दिखाई देती है क्योंकि न्यूक्लियस का लेवल इनका अलग अलग है, और सिंगल लेयर क्यों होती है, क्योंकि सारी सेल एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे दोनों सेल जो जुड़ी होती है, इसलिए ये सिंपल टाइप की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा चला जाएगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो का मतलब फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर, फॉल्स मल्टी लेयर है, दिखाई मल्टी लेयर देती है लेकिन एक्चुअल में मल्टी लेयर होती नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जी सर, इन ग्लैंड के रेस्पेक्ट में पूछा है कि पूरी की पूरी जो ग्लैंड है
वो अपने कंटेंट के साथ जो है अपनी साइट से जो है वो रिलीज हो रही है, पूरी कंप्लीट जो सेल है वो अपने कंटेंट मतलब कोई भी सिक्रेशन उसके साथ जो है अपनी साइट से हटती है, तो इसको होलोक्राइन बोला गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कौन सा कहलाती है, इस प्रकार की ग्लैंड होलोक्राइन कहलाती है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे दें अपन कि जैसे एक सेल टाइप ये बन गया अपना, जी जी ठीक है, ये सेल्स अपना जो सिक्रीशन है उस सिक्रीशन को यहां रखेंगी और जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो केवल सिक्रीशन जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा बाहर आ जाएगा, डिफ्यूजन के द्वारा। तो इस प्रकार की जो होती हैं उन्हें मीरोक्राइन कहा जाता है, और मैक्सिमम इसी टाइप की होती है, और मैक्सिमम मीरोक्राइन टाइप की ही कहलाती है। मोस्ट ऑफ दी स्वेट ग्लैंड इसका एग्जाम्पल बन जाती है, ठीक है, मीरोक्राइन या एक्राइन, इक्राइन भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एक टाइप तो बन गया बच्चों मीरोक्राइन अपना ये। दूसरा बन रहा है कि जो सेल्स हैं उन सेल के एपिकल पार्ट में जो है वो सिक्रीशन इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर एपिकल पार्ट में सिक्रीशन इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इन सेल का कुछ पार्ट एपिकल टूटकर अलग हो जाता है, ये एपिकल पार्ट टूटकर अलग हो जाता है जिसमें सिक्रीशन भरा हुआ है, तो इस प्रकार की ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है यतेंद्र सर? एपोक्राइन। इसको एपोक्राइन कहते हैं, एपो का मतलब ऊपर और क्राइन का मतलब रिलीज करना, मतलब सुनील जी कंप्लीट सेल का लॉस नहीं होता है, कंप्लीट सेल का जी, और अगर हो जाएगा पूरी की पूरी सेल ही सिक्रीशन के लिए रिलीज हो जाती है तो ये क्या कहलाती है? होलोक्राइन कहलाती है। मतलब यहाँ पर भी रीजनरेशन होगा फिर सेल्स का? बिल्कुल होगा, जिस पार्ट का लॉस हो गया ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट सेल ही रीजनरेट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसमें रीजनरेशन की जरूरत नहीं है, नहीं है तो मीरोक्राइन हो जाएगा, मीरोक्राइन हो जाएगा क्योंकि सेल का डिफ्यूजन के द्वारा जा रहा है, तो सेल का लॉस हो ही नहीं। तो एग्जांपल याद रखना ही है, सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड इसका एग्जांपल है, ठीक है। एपोक्राइन की अगर बात करें तो मेमोरी ग्लैंड इसका एग्जांपल बन जाएगा, और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो ग्रोइन रीजन में पाई जाती है, ये अंडर आर्मपिट, हां बगल वाले आर्मपिट की ग्लैंड्स कहलाएंगे स्वेट ग्लैंड, या फिर ग्रोइन रीजन का मतलब है दोनों पैरों के बीच का जो स्थान होता है वहां पर ये ग्रोइन रीजन कहलाता है। प्यूबिक जोन कह सकते हैं, हां प्यूबिक जोन, और लिप्स के चारों तरफ भी, लिप्स के चारों तरफ भी, एनस के चारों तरफ भी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और निप्पल के चारों तरफ, निप्पल के चारों सराउंडिंग में भी एपोक्राइन ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और होलोक्राइन की बात करें तो सीबीसीएस ग्लैंड इसका, सीबीसीएस ग्लैंड है, इसके अलावा जो आईलिड्स हैं इसके अंदर भी मीबोमियन ग्लैंड होती है, मीबोमियन ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जेस, बिल्कुल ऑयल ग्लैंड होती है, जी जी, ये भी इसी टाइप की। तो इसका आंसर अपना चला गया होलोक्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज्ड डायरेक्टली, एंडो का मतलब अंदर, क्राइन का मतलब रिलीज करना, तो कोई ग्लैंड अपने सिक्रीशन को ब्लड के अंदर रिलीज करती है डायरेक्ट, इसका मतलब खुद की क्या नहीं है, डक्ट नहीं है, इनको डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्लैंड होती हैं ये अपना सिक्रीशन कहाँ रिलीज कर रही हैं? ब्लड के अंदर, और ये सिक्रीशन क्या कहलाता है? इसे हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी अपोज की अगर बात करें, अपोजिशन में एक्जोक्राइन हो जाएगी जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, एंजाइम का सिक्रीशन करती है, ऑयल का सिक्रीशन करती है, तो ये जैसे मिल्क का सिक्रीशन करने वाली वो भी कैसी कहलाती है? एक्जोक्राइन कहलाती है। खुद की डक्ट होती है, उस डक्ट के द्वारा टारगेट साइट पर ये डायरेक्ट अपने सिक्रीशन को रिलीज आउट कर देती है। जी जी, तो एंडोक्राइन में तो क्या हो जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में, और ये सर ने बता दिया ये सेल होगी, ये अपने सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर रही है, ये जैसे पैनक्रियाज मानते हैं, बिल्कुल ये ग्लैंड हो गई, ये डक्ट के द्वारा अपने सिक्रीशन को टारगेट साइट पर डायरेक्टली पहुंचा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ना, और ये सक्कस एंटेरिकस को रिलीज करती है, ठीक है, और ये जो है इसकी जो सेक्रेटरी यूनिट है उसकी बात हो रही है, तो वो सिंपल ट्यूबुलर टाइप की होती है, ठीक है। इस तरीके से वहां पर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, बिल्कुल, और वो अपना सिक्रेशन वहां पर रिलीज करती है और फिर वो डक्ट के थ्रू बाहर चला जाता है, तो सिंपल ट्यूबुलर टाइप की ये, बिल्कुल, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंपल ट्यूबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। तो ऐसा आपको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के दौरान बताया भी गया था, ये एक सेल होगी और इधर जो है ये अपनी दूसरी सेल कहला जाती है, ठीक है। अब इन दोनों सेल के बीच में क्या पाया जाता है भैया? एक मिनट, ये तो बड़ा बड़ा गया, इसको छोटा करना पड़ेगा अपने को, ये कर देते हैं,
इस टाइप का कनेक्शन प्रेजेंट होता है यतेंद्र सर, जिसके द्वारा इनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इस जंक्शन को जो है वो क्या कहा जाता है, गैप जंक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गैप जंक्शन से होते हुए आयंस जो हैं वो रैपिडली क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज भी यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल साइन मूव कर सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम लार्जर मॉलिक्यूल भी मूव कर जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की ही लाइन है ये। अच्छा, हाँ, तो जनरली बात करें तो स्मॉलर आयन फॉर्म्स जो है वो एक्सचेंज हो जाती है एंड सम टाइम जो लार्जर मॉलिक्यूल है उनका भी एक्सचेंज यहाँ से, ये दोनों सेल के बीच में कम्युनिकेशन करवा रही है। हाँ, तो साइटोप्लाज्म को ये ए सेल होगी जितेंद्र सर और ये बी सेल होगी, तो इनके साइटोप्लाज्म को आपस में कम्युनिकेट करवाने वाली स्ट्रक्चर कौन सी कहलाएगी, गैप जंक्शन। जैसे कार्डियक मसल में गैप जंक्शन है। हाँ, कार्डियक मसल में गैप जंक्शन, ये इसमें एक चीज बनती है, ये भी पूछा जाता है कार्डियक मसल की वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो गैप जंक्शन की तरह एक्ट करती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क वो स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल की जो गैप जंक्शन की तरह एक्ट करती है। इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में ही जो है इस तरीके से टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कैल्शियम वगैरह मूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरकैलेटेड डिस्क। इसके अलावा सुनील जी, गैप जंक्शन अपने स्मूथ मसल में भी, सब में तो नहीं है, लेकिन जो सिंगल यूनिट है जो एक साथ सभी जुड़ी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें गैप जंक्शन। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल का मतलब हो गया एक साथ एक सिंगल यूनिट के रूप में ये कॉन्ट्रेक्शन दर्शाती है। और ऐसा कहाँ पाया जाता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल के रूप में कहलाती हैं, मल्टी यूनिट जो सेपरेट यूनिट के रूप में कॉन्ट्रेक्शन दर्शाती हैं, जैसे अपने हेयर्स हैं इनके रूट में पाई जाने वाली मसल कैसी हो गई, इस प्रकार की कहलागी मल्टी यूनिट कहलागी। लार्जर ब्लड वेसल जो होती हैं उन लार्जर ब्लड वेसल की वॉल में पाई जाने वाली मल्टी यूनिट कहलागी। तो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15। कंपाउंड एपिथेलियम इज प्रेजेंट ओवर, पहले ही बताया था केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का ये काम करेगा, और ऐसा चांस कहाँ बनता है, तो केमिकल स्ट्रेस से। मैकेनिकल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो स्किन के ऊपर रबिंग होने का चांसेस होता है, तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन चला जाएगा मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए, और अपन जो भोजन खा रहे हैं उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं तो उनसे बचाने के लिए फिर क्या हो जाएगा, मोस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी हो जाएगा और फेरिंग्स रीजन हो जाएगा, तो सारी जगह ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पर तो हो गया नॉन केराटिनाइज्ड, बिल्कुल, और ये हो गया केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेरस, बिल्कुल। तो कंपाउंड एपिथेलियम को भी फर्दर डिवाइड कर दिया है केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, इन दोनों में केराटिन नहीं होगा, यहाँ पर केराटिन पाया जाएगा। एक चीज और याद रख लेना, जहां प्रेजेंट होगा केराटिन वो सेल कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है, नॉन लिविंग सेल कहलाती है, लेकिन यहाँ की सेल कैसी हो जाएंगी, लिविंग सेल कहलाएंगी। नॉन लिविंग है इसका मतलब न्यूक्लियस है, नहीं पाया जाएगा, और लिविंग है मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट जो स्क्वैमस सेल्स होती है वो यहाँ पर नॉन लिविंग है और यहाँ पर लिविंग स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, आगे मूव करें जी। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज स्पेशलाइजेशन ऑफ, तो ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है वो कॉलमनर और क्यूबॉइडल दोनों ही हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी एनसीईआरटी की लाइन है कि कुछ क्यूबॉइडल और कुछ ऐसी कॉलमनर सेल जो है वो मॉडिफाई हो जाती है सिक्रीशन के लिए, नॉट कौन सी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, स्क्वामस इन्वॉल्व नहीं है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये अपने कंसेप्ट जो है गुरु नीति के, नो डाउट आप इनको बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ आप अभी वेकेशन आपकी दीपावली की आने वाली है बच्चों की, ठीक है, आज ये वीडियो जो है ये आपको शाम को पहुंच जाएगा, और 11 से 17 ये जो वेकेशन का टाइम है इसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें। अब किस प्रकार यूटिलाइज करें, कि ठीक है आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं आ पा रही है, ठीक है, इस दौरान तो आपको ये जो जितने भी गुरु नीति के वीडियो जो लेक्चर 1 से यहां तक आए हैं, चाहे बायोलॉजी में बात कर लो, फिजिक्स में बात कर लो, केमिस्ट्री में बात कर लो, ये आपको सीक्वेंस वाइज इन वेकेशन के दौरान जो है वो बच्चों को सॉल्व आउट करनी है, ठीक है, पढ़ाई करके रिवाइज करके और इसके बाद आप एक प्रॉपर टाइम बनाए ना। अरे कौन कह रहा है 7 दिन मस्ती करनी है, मस्ती तो इतने से दीपावली को होगी, मस्ती चल रही है वैसे तो हाँ इस बार तो मस्ती चल रही है, 8 महीने हो गए हैं भैया लॉकडाउन के। तो एनीवे अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डजंट पजेस ट्रांजिशन एपिथेलियम, किसमें ट्रांजिशन एपिथेलियम नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक तो ये सर इसके लिए अनदर नेम भी पूछ लिया जाता है, यूरोथेलियम के नाम से जाना जाता है, इसको प्लास्टिक एपिथेलियम भी कहा जाता है, प्लास्टिक एपिथेलियम। यूरोथेलियम इसलिए क्योंकि यूरिनरी पाथ में होती है, यूरिनरी पाथ में होती है,
और प्लास्टिक इसलिए बोला है क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग की एबिलिटी पाई जाती है, स्ट्रेचेबल नहीं है। हाँ, जो कंपाउंड एपिथीलियम है उस कंपाउंड एपिथीलियम को बांटा गया है ट्रांजिशन में और स्ट्रेटिफाइड में। स्ट्रेटिफाइड जो होगी उसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी नहीं पाई जाएगी, फैलने की क्षमता उसमें नहीं होती है, जबकि ट्रांजिशनल जो एपिथीलियम है या यूरोथीलियम या प्लास्टिक एपिथीलियम जो इसमें स्ट्रेचिंग की एबिलिटी पाई जाती है। इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर अपन बात करें, एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं इसका अपन, तो किडनी की जो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होगी रीनल पेल्विस, उस रीनल पेल्विस में ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ पर एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाएगी, उस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट होगी एपिथीलियम वो ट्रांजिशनल कहलाएगी। ये यूरेटर पार्ट है, इस यूरेटर पार्ट में जो होगी ये तीन सर वो भी यही कहलाएगी। यूरिनरी ब्लेडर जो होगा उस यूरिनरी ब्लेडर में भी कौन सी पाई जाती है, ट्रांजिशनली। और जो यूरेथ्रा होता है उसका जो इनिशियल पार्ट होता है, मेल यूरेथ्रा की मैं बात कर रहा हूँ, उसके इनिशियल पार्ट में कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिशनल एपिथीलियम ही हो जाती है। अब ये जो यूरेथ्रा पार्ट है ना, इसके लिए भी भैया एक चीज याद रख लेना, बनाए दे बच्चों के लिए जी, यूरेथ्रा में क्योंकि तीनों, क्योंकि इसको एक साथ याद रखेंगे तो ये याद रह जाएगा। इधर तो यूरिनरी ब्लैडर ऊपर हो ही गया, ये अपनी बात हो रही है जितेंद्र सर यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग कहा जाता है इसको, यूरेथ्रा केवल मैमल में ही होता है, मैमेलियन फीचर है। ये इनिशियल सेगमेंट हो गया, ये मिडल पार्ट कहला गया और ये टर्मिनल रीजन ऑफ यूरेथ्रा कहला जाता है। ठीक है, तो जो इनिशियल सेगमेंट है वहां जो एपिथीलियम पाई जाएगी, अभी अभी अपन ने बात की है कौन सी पाई जाती है, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल कहलाती है। मिडल की अगर बात करें तो यहां प्रेजेंट होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। यहां स्ट्रेटिफिकेशन तो होगा और इसके साथ में कॉलम शेप की सेल भी पाई जाएंगी, तो ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, इसको बोल देंगे ये सर कौन सा, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर और नॉन सिलिएटेड कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। अगर सिलिएटेड होगा तो सिलिएटेड लिखेंगे, और नहीं लिखा है इसका मतलब है नॉन सिलिएटेड। और ये जो यूरेथ्रा है इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा है, इसका मतलब मेल यूरेथ्रा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां अगर बात करूं तो ये मेल यूरेथ्रा बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 16 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और वैसे ये यूरेथ्रा की जो लेंथ है मेल में, ये एक्चुअल में डिपेंड करती है लेंथ ऑफ पेनिस के ऊपर, क्योंकि इसमें सबसे लंबा पार्ट पिनाइल यूरेथ्रा कहलाता है, तो पेनिस की लेंथ जितनी ज्यादा होगी पिनाइल यूरेथ्रा की लेंथ भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही मेल यूरेथ्रा की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर कहलाता है, फीमेल यूरेथ्रा अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर कहलाता है। यहाँ से जितिन सर एक अच्छा क्वेश्चन और भी बनता है कि जो यूरिनरी ब्लेडर के इन्फेक्शन है वो ज्यादा किसमें देखे जाते हैं, मेल में या फीमेल में? फीमेल में, क्योंकि उनकी यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होती है। यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होने के कारण यूरिनरी ब्लेडर के इन्फेक्शन जो है वो फीमेल या यूरिनोजेनिटल ट्रैक के जो इन्फेक्शन है तो फीमेल में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होती है। फीमेल यूरेथ्रा काफी छोटी होती है, तो उसमें अपन अगर एपिथीलिया बताएं, इनिशियली कुछ ट्रांजिशनल हो सकती है, ठीक है, बाद में वहां पर जो है वो आपका स्ट्रेटिफाइड और क्यूबॉइडल टाइप की पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड जी। तो यूरेटर में पाई जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाएगी, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में मिलेगी, लेकिन डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा में तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर पाई जा रही है। आपने ये पूछा है कि डजंट किसमें नहीं पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर फोर चला जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसमें स्टेट चेंज हो रही है, तो पहले वो अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में जब, ठीक है, और वो तब होगा जब वहां पर कोई प्रेशर ना लगे, प्रेशर ना लगे, और जब भी प्रेशर लगता है, मतलब यहाँ पर अपन इस पाथ की बात करें तो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यूरिन लिक्विड फॉर्म में जब वहां पर आएगा तो वहां पर वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, तो उस प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए वो फैल जाती है, इसीलिए यहाँ पर इस टाइप की एपिथेलियम इवॉल्व हुई है। तो जो स्ट्रेचेबल फॉर्म से मतलब अनस्ट्रेच फॉर्म से स्ट्रेच फॉर्म में आ जाएगी, और स्ट्रेच से वापस अनस्ट्रेच में, अनस्ट्रेच में, तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलती है, ट्रांजिशनल। दो ट्रांजिशन में ये जा रही है बार बार, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एक चीज तो अपने मिस ही होगी बच्चों, वो वाली कौन सी, एकमात्र एपिथेलियम है जिसके क्या नहीं पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी एपिथेलियम है जिसके नीचे बेसमेंट, अन्यथा सभी एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए जो सब्सटेंस है न्यूट्रिएंट्स है वो एपिथेलियम को पहुंच रहे हैं, क्योंकि एपिथेलियम में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी एपिथेलियम में नहीं मिलेगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में नहीं पाई जाती है। एक दूसरी बात, यहाँ पर 4 to 6 लेयर ऑफ सेल तो प्रेजेंट होती हैं, और ये जो डिफरेंट शेप की सेल कहलाती हैं, जैसे मैं बात करूं सबसे नीचे
क्यूब शेप की सेल हो जाएंगी, उसके ऊपर की दो से चार लेयर जो है वो पियर शेप्ड उल्टी नाशपति आकार की कहलाती है, और सबसे अपर अगर बात करूं तो वो ओवल शेप्ड अंडाकार वो कहलाती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट शेप ऑफ सेल दिखाई दे रही है ये कब दिखाई देंगी? अनस्ट्रेच्ड फॉर्म, ये रिलैक्स्ड कंडीशन में दिखाई देंगे, और अगर स्ट्रेचिंग आ जाएगी तो वो फैल जाएगी, अलग अलग लेयर नजर ही नहीं है, तो सारी की सारी सेल फ्लैट हो जाती है। स्ट्रेचिंग फॉर्म में सारी सेल में फ्लैटनिंग आ जाएगी और रिलैक्स कंडीशन में अलग अलग शेप दिखाई देगी। तो ये नो डाउट कहते हैं सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने हमारी तरफ से आप लोगों तक पहुंचाई है। आप तो इन क्वेश्चन को जब देखो ना तो भैया एक कॉपी भी साथ में लेकर बैठो, ये जो एडिशनल कंसेप्ट हम बता रहे हैं ना इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना होता है। तो भैया आज तो क्या है कि आज हमने बता दिया आपको, दो दिन तो याद है, लेकिन यही चीज 10 दिन बाद में पूछेंगे ना तो आपके दिमाग से रिमोट भी वापस वीडियो चलाओ और देखो और वापस वीडियो चलाओ वो तो ठीक है, लेकिन ये तो सर बच्चे मोबाइल से नेट चलाते हैं क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबके पास नहीं है, और ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है आपका डाटा कंजप्शन बार बार होगा। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए भी हमें तो अच्छा लगेगा क्योंकि बार बार आप वीडियोज देखोगे हमारे व्यूज बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपका भी तो बेनिफिट इसमें होना चाहिए ना, तो बार बार डाटा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है भैया पेन चलाकर कॉपी में लिख लिया ना ये आपके लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में चला जाएगा, इसीलिए कहा जाता है लिख लिख कर पढ़ो। ठीक है, एक डेली कंसेप्ट बना लो, फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो भैया डेली के 30 पेज पढ़ने ही है, चाहे उसमें न्यूमेरिकल फिजिक्स के ले लो 30 से 35 न्यूमेरिकल डेली करनी है, केमिस्ट्री भी लिख कर पढ़ना है, बायो भी लिख कर पढ़नी है। तो चले ये तो हो गई ज्ञान की बातें, ज्ञान और देते हैं बच्चों को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफ्यूजन बाउंड्री ऑफ एयर सैक ऑफ लंग्स, अभी डायग्राम यतिन सर ने पहले ही बनाया था, यतिन सर यार डायग्राम बड़ा अच्छा बनाते हो आप तुरंत बना देते हैं। तो एल्वियोलाई जो है उस एल्वियोलाई की वॉल में कैसी सेल पाई जाती हैं? स्क्वामस टाइप के सिंपल स्क्वामस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के लिए एक अडेप्टेशन भी है कि थिन स्क्वामस एपिथेलियम का यहाँ पर पाया जाना। तो कौन सी चली जाएगी इतनी सर? सिंपल स्क्वामस, क्योंकि पाथ लेंथ एल की वैल्यू काफी कम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, गैसेज को जो पाथ लेंथ क्रॉस करना पड़ता है हाँ वो कम है, तो टाइम कम लगता है, टाइम कम लगता है, इसलिए यहाँ पर ये इसकी जरूरत ज्यादा। जी 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 बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 19। जी यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात हो रही है जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो अपना सिक्रेशन जो बाहर की तरफ रिलीज करती है, तो एक तो एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस को सिक्रेट करने वाले गॉबलेट सेल्स होगी, गॉबलेट होगी या कलश कोशिकाएं है ना, और एक इंटेस्टाइन के अंदर जो है पेनेट सेल्स भी होती है। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना, अभी यतिंद्र सर ने शब्दों को शायद थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, स्टमक रीजन में तो मिलेंगी गॉबलेट सेल और इंटेस्टाइनल रीजन में मिलेंगी पेनेट सेल। तो गॉबलेट सेल एंड पेनेट सेल जो है वो दोनों ही किसका एग्जांपल हो गए? यूनिसेलुलर ग्लैंड का। बाकी गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस से रिलेटेड है ना, तो ये जहां पर भी म्यूकस की जरूरत होती है वहां पर हर जगह ये मौजूद हो सकती है, जैसे स्टमक हो गया। इसके अलावा अपने जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी अपन बताते हैं ना कि ग्लैंडुलर, जहां पर भी ग्लैंडुलर लगा है वो गॉबलेट सेल ही। बिल्कुल ठीक ठीक कहा। तो ट्रेकिया के अंदर भी अपन बताते हैं कि ना स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीरिएटेड ग्लैंडुलर, जी वहां पर भी हो सकती है, तो म्यूकस से रिलेटेड है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना चला जाता है, और यहाँ पर भैया एक डायग्राम एनसीईआरटी के जो दिए हैं उन दोनों डायग्राम को जरूर देख लेना, क्योंकि वो दोनों डायग्राम जो हैं, एक डायग्राम तो आप देखें इस टाइप की सेल आपको बना मटके जैसा लग रहा है, मटके जैसा लग रहा है, यहाँ पर सराउंडिंग में उसके सेल्स बताती हैं आपको, ये तो कौन सा है? स्लेवरी ग्लैंड है। ठीक है, और स्लेवरी ग्लैंड कैसी होगी? जी मल्टीसेलुलर, स्लेवरी ग्लैंड तो कहलाएगी मल्टीसेलुलर, मोस्ट ऑफ जो ग्लैंड्स हैं वो मल्टीसेलुलर ही। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लें, चाहे स्लेवरी ग्लैंड की बात कर लें, और यहाँ ये जो गॉबलेट सेल या यूनिसेलुलर ग्लैंड का जो डायग्राम बच्चों को दिखा रखा है वो सम व्हाट इस टाइप का है, कुछ कॉलम सेल्स हैं, ठीक है, और वहां पर एपेक्स रीजन में इस टाइप की सेल्स जो है वो अपना सेक्रेशन बाहर की ओर रिलीज कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सेल्स आपको दिखाई देंगी वो कौन सी ग्लैंड कहलाएगी? यूनिसेलुलर कहलाएगी। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is the characteristic of epithelial tissue? Epithelial tissue के characteristic की बात कर रहे हैं। एक बार discuss कर लेते हैं बना। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे characteristics है कि embryonic development के दौरान ये सबसे पहले evolve होती है। सबसे पहले evolve होने वाली है। दूसरी बात आती है, इसमें blood supply जो है वो नहीं पाई जाती है। Avascular होती है। Avascular। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जो सेल्स उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम होता है। कम होता है। जो स्मॉल कैपिलरीज है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है।
नेक्स्ट कौन सा रहेगा? और इसका ओरिजिन तीनों जर्मिनल लेयर से, हाँ, तीनों ही जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट, एकमात्र यही है, हाँ, बिल्कुल, एक्टोमीजोर एंडो। और अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करती है अंडरलाइंग टिश्यू पर, जो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, और रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जी सर। और इसके अलावा इसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, हाँ, और इसको हाई को अगर मैं मैक्सिमम कहूँ तो भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाए। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जैसे ऐसा टिश्यू जिसमें रीजनरेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल, नर्व टिश्यू, क्योंकि वहां पर बच्चों क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, तो बर्थ होने के बाद में कौन से टिश्यू में रीजनरेशन नहीं होगा, तो नर्व टिश्यू में नहीं होगा, ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रोसोम। जी, तो वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए पूछ सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है और नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये काफी पतली मेम्ब्रेन होती है, एसेलुलर है, कोलेजन होता है और रेटिकुलर फाइबर होते हैं, आपका लोअर जो कनेक्टिव टिश्यू उसी से ये बनती है। तो बेसल लेमिना का फॉर्मेशन, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके दो पार्ट यतेंद्र सर ने बताए हैं, एक तो कहलाता है बेसल लेमिना, जी यतेंद्र सर, ठीक है, और दूसरा कहलाता है फाइब्रस लेमिना, जिसमें फाइबर्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसमें फाइब्रस लेमिना जो है इसमें कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स मिलेंगे। तो बेसल लेमिना का तो फॉर्मेशन हो गया, ऊपर पाई जाने वाली जो एपिथेलियल सेल है वो इसका सिक्रीशन करवाएंगी, और नीचे पाया जाने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा करवाएगा, फाइब्रस लेमिना का। और इसमें मेनली जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो इधर से, और इसमें कुछ कंटेंट जैसे म्यूकोपोलीसेक्राइड, हाँ, वो इधर से कनेक्टिव टिश्यू से भी आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो म्यूकोपोलीसेक्राइड ये सर यहाँ पर पाया जाता है, ये अल्टरनेट फॉर्म में दो यूनिट के रूप में अरेंज रहता है, एक कहलाती है एल ए जी और एक कहलाती है जी ए, ठीक है। तो एल ए जी ये कौन सी स्ट्रक्चर कहलाती है, एन एसिटाइल ग्लूको ग्लूकोज यूरिनिक एसिड, बिल्कुल बिल्कुल, या ग्लूकोज एमाइन, ग्लूकोज एमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन ये स्ट्रक्चर बनेगी, और ये कौन सी कहलाती है, ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड कहलाती है, अल्टरनेट फॉर्म में ये पाई जाती है, नाग आ गया उसके बाद में गा आएगा उसके बाद में फिर से नाग आएगा, इसका मतलब नाग गाता रहेगा क्यों। और टास्क इसका हो गया कि ये कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट और गैसेस कलेक्ट करके ऊपर मौजूद एपिथेलियल सेल को देती है, क्योंकि ये खुद वैस्कुलर नहीं होने की वजह से कैपेबल नहीं है न्यूट्रिएंट और गैसेस लेने के लिए, ठीक बात है, ठीक बात है, इसलिए नीचे से ये इसकी मदद से लेती है, बिल्कुल। तो करैक्टरिस्टिक हमने आपके सामने डिस्कस की है, अब अपन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्टरिस्टिक, करैक्टरिस्टिक पूछा है इसमें, दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड, नहीं गलत हो, ब्लड सप्लाई तो होती ही नहीं है, They never produce gland. नहीं, gland ही बनाती है। हाँ, gland बनाती है। जितने भी glands हैं वो इसी टिश्यू का modification. gland भी origin में अलग अलग है। ecto, meso, endo. बिल्कुल। epithelium भी तीनों ही germinal layer से originate है, इसलिए gland भी तीनों ही germinal layer से originated कह रहे हैं। तो ये बात भी क्या होगी? गलत। They have large intercellular, नहीं compactly packed cell कहलाती हैं, जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो ये बात भी क्या होगी? गलत। दे हैव अ रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन, अभी अपन ने बात की थी, मैक्सिमम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, रीजनरेशन की एबिलिटी मैक्सिमम। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, 21 रहेगा। स्वेट ग्लैंड आर कैसी कहलाती है? तो यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया ना, मोस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड नहीं दिया, आर्मपिट की ग्लैंड नहीं दिया, ग्रोइन रीजन की स्वेट ग्लैंड की बात नहीं की, इसका मतलब किसको अप्रोच करना है? ज्यादातर स्वेट ग्लैंड कैसी होती हैं? वो कैसी कहला जाएंगी? मीरोक्राइन नेचर की कहलाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही एपोक्राइन में कौन सी आ जाती है? आर्मपिट की स्वेट ग्लैंड आ जाती है एपोक्राइन में, ग्रोइन रीजन की, तो लिख देते हैं बच्चों के लिए, ये आर्मपिट की कहलाती है और ग्रोइन रीजन, ग्रोइन रीजन की स्वेट ग्लैंड भी किस में आती है? एपोक्राइन में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी स्वेट ग्लैंड कैसी होगी? मीरोक्राइन। चले आगे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, जी सर, नेचर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड की अभी बात कर रहे हैं, तो ये आपका अभी अपने डिस्कस भी किया, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अर्थ पार्ट सेल का लॉस होता है, हां, एपिकल पार्ट लॉस्ट हो जाता है सेल का, और ऐसी सेल क्या कहलाती है? एपोक्राइन, एपोक्राइन बन जाएगी, पहले ही बता दिए भैया कांसेप्ट ये आपको। नेक्स्ट 23 रहेगा, नेल्स हॉर्न एंड हूफ आर एग्जांपल ऑफ, तो ये स्टेटिफाइड तो है, ठीक है,
और स्ट्रेटिफिकेशन में भी यहाँ पर क्रिएटिन पाया जाता है, क्रिएटिनाइज्ड स्क्वैमस फॉर्म ये कहलाती है। तो ऐसा कौन हो जाएगा, एपिडर्मिस के डेरिवेटिव ये कहलाते हैं, नाखून हो गए जो जानवर होते हैं उनके, जो सींग होते हैं, हॉर्न हो गए, हूफ्स जो खुर होते हैं उन जानवरों के, उनमें क्या पाया जाता है, केराटिन प्रेजेंट होता है। और अपनी स्किन की एपिडर्मिस भी, स्किन भी एपिडर्मिस भी, ये तीन सर ने सही कहा, वो भी इसी में ही इंक्लूड हो जाएगी। चले आगे। जी सर, इंटरवोवन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो पास पास की सेल्स हैं और उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके बीच में बिल्कुल जो है ये स्ट्रक्चर सर बना रहे हैं। ये एक सेल होगी ये दिन सर, और ये दूसरी कहलाती है, दूसरी सेल। अगर मैं इसको ही कहूं, ये एक एक मिनट ये होल्ड कीजिएगा, अगर मैं इसी को ही कहूं तो ये डिजिट्स है मेरे इस हैंड की, ये दूसरे हैंड की डिजिट है। अब मैं इधर करके बोलूंगा शायद नहीं दिखेगा, आप यहां देखें ये फिंगर्स एक दूसरे में क्या हो जाती है, इंटरवोवन हो जाती है, गुथ जाती है एक दूसरे में, तो इस प्रकार की क्या कहलाती हैं, इंटर डिजिटेशन। डिजिट का मतलब क्या हो गया, अंगुलियां, और इंटर का मतलब एक दूसरे में गुथी हुई, तो अंतरा अंगुली भी कहा जाता है इसको। ठीक है जी, तो आंसर कौन सा चला जाएगा ये दिन सर, ऑप्शन नंबर सेकंड टू चला जाता है इसका, अंतरा अंगुली बंधन है ना। हाँ, अंतरा अंगुली बंधन के नाम से ये जाना जाता है। अब यहाँ पर डेस्मोसोम दिखाए गए, इसका अनदर नेम याद रखना, ये किसका टाइप है, ये मैकुला एडेरेंस, जो एडेरिंग जंक्शन है, एडेरिंग जंक्शन, हाँ बिल्कुल, ये नाम आपको याद रखना, मैकुला एडेरेंस, मैकुला एडेरेंस। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जोना ऑक्लूडेंस क्या है, जो टाइट जंक्शन है ना उसी का ही अनदर नेम क्या है, जोना ऑक्लूडेंस, टाइट जंक्शन। क्यों? तो ये अपनी बात होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 25। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी एंड गिव द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनों को स्टडी कर लें। स्वेट ग्लैंड आर मीरोक्राइन, स्वेट ग्लैंड हाँ, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मीरोक्राइन होती है, एंड सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर सर्विस है, बिल्कुल जो इसका पार्ट है, हाँ, जहां पर सिक्रेशन बन रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये कहलाती है, तो पहला तो करेक्ट है। सेबेसियस ग्लैंड आर होलोक्राइन, बिल्कुल अभी डायग्राम बताया था उस समय बताया भी था, एंड कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर, ये गलत हो गया, ये सिंपल कैसी होनी चाहिए, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका कौन सा चला जाएगा, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर। नीचे अगर बात करें तो मेमोरी ग्लैंड आर एपोक्राइन, एपोक्राइन मतलब अपिकल पार्ट लॉस होगा इसका, बिल्कुल सही बात है, एंड सिंपल ब्रांच एल्वियोलर नहीं, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब है जितने सर इसको तो मैं यहाँ ले आऊं, और इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, हाँ फिर सही हो जाए, हाँ तो इन दोनों को एक्सचेंज आपको कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज सुन लेना आप, कि ट्यूब्यूल की फॉर्म में मिलेगी तो ट्यूबुलो हो जाएगी, कंपाउंड का मतलब ब्रांच्ड हो जाती है, और ट्यूब्यूल के एंड पर अगर सैक लाइक एल्वियोलाई की जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी तो एल्वियोलर हो जाएगी। तो नाम को रटो मत भैया, उस नाम का मतलब क्या निकल रहा है वो समझ लो आप। तो यतिन सर ने बना दिया है इसको कि ट्यूब्यूल की फॉर्म में अराइज हुई, फिर ये ब्रांच जो हो गई, और ब्रांचिंग के एंड पर एल्वियोलाई जैसी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, तो ये कैसी हो गई, कंपाउंड, ब्रांचिंग का मतलब कंपाउंड हो गई, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में इनिशियली है और लास्ट में एल्वियोलर हो गई, तो ये कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर कहला गई, और सिंपल ब्रांच एल्वियोलर अगर कहला जाती तो सिंपल ये ट्यूब्यूल वाले पार्ट थोड़े कम हो गए, हाँ तो सिंपल ब्रांच में अगर मैं बात करूं तो ये ब्रांचिंग केवल इतनी ही कहलाएगी। ठीक है, और इस ब्रांचिंग के एंड पर ये क्या हो जाती है, अपनी एल्वियोलाई हो जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है, तो आंसर है ए तो सही है, ये गलत है, ये गलत है, ए इज ट्रू, बी एंड सी आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। चले आगे। जी सर, लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग टिश्यू दैट अपीयर टू बी मल्टीलेयर्ड बट एक्चुअली सम ऑफ सेल एक्सटर्नल फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द सरफेस, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की बात हो रही है। बिल्कुल, ये पहले ही हमने बता दिया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या देखा जाता है बच्चों, कुछ सेल्स जो हैं वो तो एपेक्स तक एक्सटेंड कर जाती हैं, कुछ सेल बेस में ही रह जाती हैं, अगली सेल एपेक्स है, बेस है, एपेक्स है, बेस है, एपेक्स है, बेस है, इस टाइप की सेल कहलाती हैं। जो एपेक्स तक एक्सटेंड करती हैं उनका बेसल कहलाता है, इनका सेंट्रल कहलाता है, सेंट्रल एंड राउंड, और बेसल एंड इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये बेसल इलोंगेटेड और ये सेंट्रल राउंड, तो वेरिंग लेवल ऑफ न्यूक्लियाई के कारण तो ये मल्टीलेयर दिखाई देती है, लेकिन सारी की सारी सेल एक ही कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है, इसलिए क्या कहलाती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहलाती है। तो आंसर ये तीन सर कौन सा चला जाएगा, सेकंड, सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 रहेगा बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो यहां पर इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स की अगर मैं बात कर लूं तो ये ज्यादा पाए जाते हैं, ये बात हो जाएगी।
तो इट मोस्टली प्रोवाइड बेस टू द एपिथेलियम, एपिथेलियम को बेस प्रोवाइड करवाता है, सही बात है। दीज हैव फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल आल्सो, बिल्कुल पाई जाती है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है ये। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो आते हैं, एरियोलर एडिपोज। अब इन दोनों में से भी अगर कंपेयर करना हो ज्यादा लूज कौन सा है, तो एरियोलर, एरियोलर फ्री स्पेस, एरियोलर एरियोली प्रेजेंट होती है, जो कैविटीज पाई जाती है उसके अंदर। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट अरेंज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, नो नाम ही भैया लूज है तो आप कॉम्पैक्ट कैसे कह सकते हो, तो नोट ही पूछा ना अपने से, आंसर थर्ड चला जाएगा। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कैन बी स्टोर फैट, ऑलवेज नहीं, कैन भी बोला है, इसका मतलब एडिपोज टिश्यू में बात, एडिपोज तो फैट का स्टोरेज करेगा लेकिन एरियोलर जो है वो स्टोरेज नहीं करेगा। तो चले आगे जी, तो आंसर चला गया थर्ड। जी सर, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल ऑफ लॉन्ग बोन आर, जो बोन है अगर उसका क्रॉस सेक्शन अपन लें इस तरीके से, तो उसके अंदर दो टाइप के कैनाल जो है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती है उसको हेवर्सियन कैनाल बोलते हैं, ठीक है, और एक जैसे एक कैनाल हॉरिजॉन्टल होती है जो दो लॉन्गिट्यूडनल को कनेक्ट करती है उसको वॉल्कमैन कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल कैनाल की बात हो रही है तो वो हेवर्सियन हो जाएगा, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाता है। थोड़ा सा एडिशनल यतिन सर, थोड़ा सा और बता दें बच्चों को, तो ये तो जैसे यतिन सर ये तो बोन वाली स्ट्रक्चर होगी अभी, है ना जी जी। अब इसके सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये पेरियोस्टियम कहला जाती है इनकी, क्यों पेरियोस्टियम बाहर की तरफ, और ये येलो बोन मेरो कैविटी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब मेरे को कट सेक्शन काटना है यतिन सर, ये वाला कट सेक्शन काटा मैंने, ठीक है, उसी को जूम कर लीजिए और उसी को ही फिर जूम करके दिखाते हैं, लेकिन मैं बच्चों को जूम करके कैसे दिखाऊंगा, जैसे बच्चों ये वाला पार्ट है, ठीक है, अब इसको काट के अपन ने अलग कर लिया, अब इधर जो पोर्शन था ना जिसको पेरियोस्टियम मैं कह रहा हूं, ये तो यतिन सर ऊपर ले जाऊं मैं, कोई दिक्कत, और जो एंडोस्टियम था जो बोन मैरो कैविटी के लाइनिंग में पाया जा रहा था उसको नीचे ले आऊं जी। तो इसी की ही जूमिंग एबिलिटी अगर मैं दिखाता हूं आपको, तो ये तो अपनी पेरियोस्टियम बन जाएगी, ये अपनी एंडोस्टियम बन जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या पाई जाती है सेंटर में, सेंटर में प्रेजेंट हो जाएंगी कुछ कैनाल्स इस प्रकार से अपने को दिखाई देंगी, क्योंकि इस डायग्राम में देखें तो ये कैनाल लेंथ में कहला रही थी लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, लेकिन इस टुकड़े को मैंने कैसे, जैसे ये टुकड़ा काटा और काटकर फिर यों करके दिखा दिया मैंने आपको, यों करके मतलब क्रॉस सेक्शन, तो ये लेंथ के अलोंग ये कैनाल यों चल रही है आपकी तरफ से बोर्ड के अंदर जा रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल कहलागी, बोन की ये लेंथ कहला जाती है, ठीक है, ये हेवर्सियन कैनाल होगी, ठीक है। इसके बाहर जो पाई जाती है लेमिली, हेवर्सियन लेमिली बन जाएगी, ठीक है, तो ये हेवर्सियन लेमिली बन जाती है, पूरा हेवर्सियन सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल, और जो बीच में स्पेस होती है उसे लेगुना कहा जाता है, तो ये एक हेवर्सियन सिस्टम, एंड हेवर्सियन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन, ठीक है, मेमेलियन जो लॉन्ग बोन होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये कहलाता है, तो कौन सी होगी, हेवर्सियन। अब ये जो दो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है हेवर्सियन, इसको ये सर आपस में जोड़ने वाली जो हॉरिजॉन्टल कैनाल होती है उसी को, उस हॉरिजॉन्टल कैनाल को क्या कहा जाता है, वॉल्क्समैन कैनाल, वॉकमैन्स कैनाल के नाम से जाना जाता है, ये हो गई हेवर्सियन। और हेवर्सियन कैनाल में ब्लड वेसल्स होती है, नर्व की भी सप्लाई होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि जो बोन है उसकी मैट्रिक्स वेस्कुलर होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बच्चों को थोड़ा सा ये भी याद रखना पड़ेगा यतिंद्र सर, कि ये जो पेरियोस्टियम कहला रही है, इस पेरियोस्टियम में ये वाला स्ट्रक्चर तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन से बना है, कोलेजन, और नीचे जो है वो क्या पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल, और साथ ही जो एंडोस्टियम है उसकी बोन मैरो की तरफ पाई जाने वाली लेयर तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई हो जाएगी, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हो जाएगी, और उसके अंदर की ओर कौन सा कहलाता है, ऑस्टियोब्लास्ट। तो बोन का जो फॉर्मेशन, ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल जो बोन फॉर्मेशन करवाती है, ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन को डिस्ट्रॉय करती है, ऑस्टियोक्लास्ट कहलाती है। तो बोन का फॉर्मेशन है बाहर से अंदर की तरफ भी चल रहा है और अंदर से बाहर की तरफ भी चल रहा है, तो बोन का फॉर्मेशन बाईडायरेक्शनल होता है, जबकि कार्टिलेज में पेरिकोंड्रियम जो है वहीं क्या पाई जाती है, कोंड्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, सेंटर की ओर नहीं पाई जाती है, इसलिए वो यूनिट डायरेक्शनल ग्रोथ करती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बोन जो है उसका फॉर्मेशन तो बाईडायरेक्शनल है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन यूनिट डायरेक्शनल, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है, चले आगे जी। 29 रहेगा, एंड इन्फेक्शन वुड मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज फैगोसाइटिक एक्टिविटी इन
विच टिश्यू, इसका मतलब रेटिकुलर टिश्यू की ये बात है, रेटिकुलर फाइबर्स जहां पाए जाएंगे, लिम्फोइड जो टिश्यू होते हैं उनमें रेटिकुलर फाइबर ज्यादा होते हैं। हाँ, तो लिम्फोइड टिश्यू में यतीन सर ने बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोच किया है कि लिम्फोइड टिश्यू में रेटिकुलर फाइबर्स की प्रेजेंस देखी जाएगी। टिश्यू कौन से कहलाते हैं? रेटिकुलर टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी यतीन सर, मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% है और इसमें भी जो मेजर है वो है आपका वाटर, तो मैक्सिमम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा उस वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, गैसेस वो डिसॉल्व रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गए, जो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड कॉर्पसल्स वगैरह आ जाती है, 45% कहलाता है। ठीक है, और मेजर कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा का मेजर पूछ रहा है, तो 92% अकेला क्या कहलाता है? वाटर कहलाता है। क्यों यदि सर ये बताया गया बच्चों को? क्योंकि उस समय मैं डायग्राम बनाने में बिजी था, मैं सुन नहीं पाया, 90 से 92% ही था ना। हाँ, तो ये अपना क्या हो जाएगा? वाटर हो जाता है। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट की बात कर रहा है, मोनोसाइट हिपेरिन का सिक्रीशन करेगा, गलत बात है। तो मोनोसाइट जो है ये तो क्या कहलाती है? क्या माइक्रोप्लिसमेंट कह सकते हैं इनको? हाँ, मैक्रो आपका न्यूट्रोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। मैक्रो पुलिसमैन, बड़ा पुलिसमैन, वो तो कौन सा है? न्यूट्रोफिल हो जाएगा। और ये अबंडेंसी में भी तो पाया जाता है मोनोसाइट। हाँ, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, मोनोसाइट ही वो मैक्रोफेज में चेंज होता है ना ब्लड। ठीक बात है, तो गलत मिला नहीं पूछा है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट चला जाएगा लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी बनाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक साइटोसिस और साथ ही इओसिनोफिल्स एलर्जिक रेस्पॉन्स के दौरान सीक्रेट होती हैं। ठीक है, इओसिनोफिल्स आर आल्सो नोन एज एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। एसिडिक डाई इओसिन के द्वारा स्टैंड ये होती हैं, इसलिए इनको इओसिनोफिल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 32 रहेगा। जी सर, कार्टिलेज कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज फॉर्मड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ, कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है वो सुनील जी बॉडी की सबसे हार्ड कार्टिलेज है, सबसे हार्ड है, और जो हाइलाइन कार्टिलेज है जिसमें फाइबर काफी कम होते हैं उसी में कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ये बनते हैं। और ये जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये सर एक और सवाल बनता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज हाइलाइन टाइप की थी और उन्हीं में ही कैल्शियम डिपोजिशन होने के कारण अडल्ट में वो किस रूप में बदल गया है? वो बोनी, हाँ, बोनी बोनी स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज वो कौन सी हो जाती है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज फाउंड बाय मॉडिफिकेशन, किसके मॉडिफिकेशन से बनी है? पूरी पूरा क्वेश्चन पूछना, कैल्सिफाइड कार्टिलेज पूछता तो अपन व्हाइट फाइब्रस कह देते इसको। क्या सही है व्हाइट फाइब्रस कहना? क्या पूछे तो, अगर कैल्सिफाइड कार्टिलेज अगर पूछे, कैल्सिफाइड कार्टिलेज फिर तो ये हाइलाइन हो गया, इसी में कैल्सिफिकेशन हो गया। बिल्कुल, कि तो किसके मॉडिफिकेशन से बनी है? तो वो आंसर कौन सा चला जाएगा? हाइलाइन कार्टिलेज चला जाता है। एक ये दिन सर ने यहाँ पर एक शब्द बताया, एक तो बताया हार्डेस्ट और एक बताया है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हार्डेस्ट की अगर बात करें तो कैल्शियम डिपोजिशन की बात आ जाएगी और कैल्शियम डिपोजिशन के रिजल्टेंट बनने वाली कार्टिलेज कौन सी कहलाएगी? हाइलिन के मॉडिफिकेशन से बनने वाली। की बात करें तो कोलेजन होना चाहिए। हाँ, कोलेजन होना चाहिए। व्हाइट फाइब्रस। व्हाइट फाइब्रस बन जाएगी। तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाती है। क्यूबिक सिम्फाइसिस इसका एग्जांपल बन जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जिसकी बात करें कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये बोन के जो एंड्स हैं, जैसे ह्यूमर का हेड हो गया, जैसे फीमर का हेड हो गया, जैसे अपनी ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला जो होती है उसका जो हेड रीजन होता है तो उसमें भी पाया जाता है। फ्रॉग से भी रिलेटेड। हाँ, फ्रॉग में जो प्यूबिस बोन होती है वहां पर भी प्रेजेंट होता है। चले आगे जी, 33 रहेगा बच्चों। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, फैट स्टोरिंग एरिया कहलाता है। ए का मतलब क्या है? फैट स्टोरिंग एरिया। बी का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। और सी का मतलब क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें सेंटर में एक बड़ी लॉक्यूल है ना। हाँ, ठीक बात है। इसी के अंदर जो है वो फैट ड्रॉपलेट इकट्ठी है, तो इससे न्यूक्लियस पेरिफेरी में चला गया। ठीक बात है। मोनोलोक्युलर कह सकते हैं इसको? इसको मोनोलोक्युलर कह सकते हैं। मोनोलोक्युलर की अगर बात करें तो कौन सा फैट? व्हाइट फैट का डिपोजिशन देखा जाएगा। यहाँ पर मल्टीलोक्युलर की अगर बात करें तो वहां पर ब्राउन फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है,
चलो चलते हैं आगे। तो ए बताना ये सर, ए क्या है? ए तो हो गया आपका फैट स्टोरिंग एरिया, फैट स्टोरिंग, इसका मतलब ये रहा और ये रहा। चले आगे, और बी न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियस, तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर गलत हो गया, बी न्यूक्लियस क्या, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आंसर कौन सा लगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जी यतेंद्र सर, टेंडन जो है वो आपका काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और ये व्हाइट फाइबरस जो टिश्यू है उनसे बनता, मतलब कोलेजन जो है उनसे बनता है, ठीक है, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, और टेंडन जो है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, मसल स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है, दूसरी लिगामेंट कहलाती है, जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करवाती है। लिगामेंट भी डेंस रेगुलर है लेकिन वो व्हाइट नहीं, वो येलो है, वो येलो थोड़ा बहुत व्हाइट हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, मेनली येलो। थोड़ा सा बच्चों को बता दें, अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू सीटी की अगर बात करें तो ये भैया दो पैटर्न है इसकी, एक रेगुलर कहलाता है और एक इरेगुलर कहलाता है। जो रेगुलर होता है उसको कोर्ड की फॉर्म कहा जाता है और जो इरेगुलर होता है उसको सीट कहा जाता है, ठीक है। कोर्ड की जो फॉर्म है इसके दो एग्जांपल बनते हैं, एक कहलाता है टेंडन, एक कहलाता है लिगामेंट। तो टेंडन तो कौन सा हो गया, व्हाइट फाइबरस हो गया, और लिगामेंट कौन सा हो गया, येलो फाइबरस कहलाता है। दोनों ही कोर्ड की फॉर्म में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है। चले आगे जी, 35 रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स, इनको कंसिडर करना है, बहुत ही पका पकाया क्वेश्चन है भैया, पका पकाया मतलब ये नहीं है कि पकाता है ये ना, पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली पूछा गया क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल डीएलसी का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो ब्लड में ये जो डब्ल्यूबीसीज पाई जा रही हैं, जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हैं, इनकी अबंडेंस किस प्रकार है, तो मैक्सिमम की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा, मिनिमम की अगर बात करें तो बेसोफिल हो जाएगा। तो थर्ड क्या डिक्रीजिंग पूछा है कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इसका मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा आना चाहिए, तो सबसे पहले तो थर्ड आना चाहिए, थर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, ये रहा, और लास्ट में ये थी सर बेसोफिल आना चाहिए, आ रहा है क्या, और अब फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, थर्ड के बाद कौन सा हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा, और उसके बाद बात करें तो मोनोसाइट हो जाता है, सही दिया हुआ है, उसके बाद एसिडोफिल हो जाएगा, बेसोफिल हो जाएगा, ठीक है। इनकी परसेंटेज एनसीईआरटी में जो दी हुई है वो परसेंटेज आपको याद रखनी है। चले आगे जी, जी सर, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल्स, है ना, बिल्कुल, डेस्मोसोम करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, करता है, मैक्युलर एडहेरेंस जो है वो इसी से रिलेटेड है, ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इंटर डिजिटलेशन भी एडेशन जंक्शन से ये रिलेटेड है, लेकिन जो गैप जंक्शन है वो सब्सटेंस के मूवमेंट में इन्वॉल्व है, मूवमेंट में इन्वॉल्व है, तो ये वाला जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो गैप जंक्शन आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू, तो ट्रांसपेरेंट इसका मतलब ग्लास के जैसा क्लियर, जिसका मैट्रिक्स कैसा हो ग्लास के जैसा क्लियर, इसमें फाइबर नहीं, फाइबर्स, लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है, फ्यू कोलेजन फाइबर में प्रेजेंट, हाँ, हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसको फाइबर फ्री, अगर एग्जैक्टली फाइबर फ्री मैट्रिक्स बोले तो वो तो ब्लड का कहलाएगा, हाँ, तो ब्लड वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर फ्यू कोलेजन फाइबर होते हैं और इनका मैट्रिक्स ग्लास ग्लास के जैसा क्लियर होता है, कांच के जैसा साफ दिखाई देता है, इसलिए इसको हाइलेन कार्टिलेज, हाइलो जो वर्ड है इसका मतलब ही ग्लास लाइक होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कौन सा चला जाएगा, थर्ड, 38 हो जाएगा। टोटिपोटेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाती है, टोटिपोटेंट सेल वो होती है जिनमें एबिलिटी होती है किसी भी नई सेल के फॉर्मेशन की, और ऐसी सेल क्या कहलाती है सर, मेसेंकाइमली, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है ना, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू की किसी भी सेल को ये बना सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, टोटिपोटेंट सेल हो जाएंगे। नेक्स्ट 39 जी सर, नेम टू ह्यूमन बॉडी सेल्स व्हिच शो सुडोपोडियल मूवमेंट, जो सुडोपोड की हेल्प से जो मूवमेंट करती है, क्या मैं इसको डायपेडेसिस कह सकता हूं, डायपेडेसिस कह सकते हैं, बिल्कुल, ये हमारी डब्ल्यूबीसी जो है उनसे रिलेटेड है। तो डायपेडेसिस जो है ना, इसका मतलब हो गया कि ये तो यतेंद्र सर जैसे आर्टरी होगी, ठीक है, ऑर्गन के पास में पहुंचेगी स्मॉलर आर्टरी में, ठीक है जी, जी। उसके बाद ये आर्टेरियोल्स में डिवाइड होगी, और आर्टेरियोल्स में डिवाइड होने के बाद जब ये ऑर्गन के अंदर जाएगी तो ये कैपिलरीज बना लेगी, यही तो कहलाएगा ना जी। तो कैपिलरीज से अपनी शेप चेंज को करते हुए, कोई डब्ल्यूबीसी जो है वो शेप को चेंज करते हुए कहां आ जाती है, इस टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाती हैं, तो शेप चेंजिंग की एबिलिटी डायपेडेसिस या स्यूडोपोडियल मूवमेंट कहलाता है। थ्रोम्बोसाइट नहीं करेगी और वहां पर भी थ्रोम्बोसाइट आ गया, बिल्कुल, न्यूट्रोफिल करती है, ल्यूकोसाइट मैक्रोफेज टाइप की ल्यूकोसाइट ही है ना,
बिल्कुल बिल्कुल, एरिथ्रोसाइट इसमें इन्वॉल्व है नहीं। तो डब्ल्यूबीसी देखना है अपने को, एरिथ्रोसाइट आरबीसी नहीं लेना है, ल्यूकोसाइट मैक्रोफेज ये इसका आंसर। और ये जो मूवमेंट है डब्ल्यूबीसी के अलावा कैंसर सेल भी कर सकती है। हां कैंसर सेल भी डायपेरेसिस दर्शाती है, वो सुडोपोडिया मेटास्टेसिस कर पाती है, मेटास्टेसिस कर पाती है। यहां पर बच्चा एक एक और सबसे कंफ्यूज हो जाता है यतेंद्र सर, उसे डायास्टेसिस वर्ड से कंफ्यूज होता है वो, ये तो है डायपेरेसिस जो सुडोपोडियल मूवमेंट जो डब्ल्यूबीसी दर्शाती है वो कहलाता है। एक वर्ड है बच्चों डायास्टेसिस, डायास्टेसिस। तो डायास्टेसिस वर्ड का क्या मतलब है, जो फोर्थ चेंबर्ड हर्ट की जहां अपन बात कर रहे हैं ठीक है, इनमें ये कौन सा बन गया, ओरिकल हो गए, राइट ओरिकल, आर ए एल ए आर वो सॉरी आरवी आरवी एल ए। तो जिस रेट से एट्रिया ब्लड रिसीव करेंगी उसी रेट से ही ब्लड कहाँ गिरता रहता है, वेंट्रिकल्स में गिरता रहता है। इसको वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग स्टेज है उस फिलिंग स्टेज में इंक्लूड किया जाता है। तो डायास्टेसिस का मतलब है कि जिस रेट से एट्रिया ने ब्लड को रिसीव किया बॉडी पार्ट से उसी रेट से ही ब्लड कहाँ पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में रेस्पेक्टिवली पहुंच जाता है, इसे डायास्टेसिस। फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल एंड फिलिंग ऑफ ओरिकल, ओरिकल बिल्कुल सेम रहती है। तो डायास्टेसिस भी कह सकते हैं, डायास्टेसिस। हाँ ये डायापिडेसिस है और इसे डायास्टेसिस के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा। Which of the following type of connective tissue is mismatched with its matrix? इसके mismatch है matrix के साथ में, areolar loosely packed matrix of protein fiber। बिल्कुल ठीक बात है, loosely packed बोल दिया ना, मतलब matrix जो है वो तीन type की हो गई है ना, जी जी, semi solid तो आपका loose connective tissue ठीक है, और solid लेकिन कार्टिलेज की जो पेरिकोन्ट्रियम होती है वो वैस्कुलर कहलाती है। और बढ़िया क्वेश्चन ये भी बनता है कि ना बोन में कार्टिलेज में चोट लग जाए तो फास्ट हीलिंग किस में होती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोन में होती है, तो क्योंकि उसकी मैट्रिक्स वैस्कुलर होती है, वैस्कुलर है तो न्यूट्रिएंट जल्दी मिलेंगे, हाँ ठीक बात है, तो न्यूट्रिएंट से ब्लड सप्लाई से हीलिंग फास्ट हो जाए, हाँ हीलिंग पावर जल्दी हो जाती है, ब्लड में लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ये सही है। आपने जो पूछा क्या मिसमैच पूछा है तो आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यूजुअली अकर इन, तो ऐसा कहाँ देखा जाता है, जहां पर मास सेल देखी जाएंगी और जहां पर आपका वो रेटिकुलर फाइबर भी, हाँ रेटिकुलर फाइबर भी हो, जैसे लिम्फोइड टिश्यू की अपन ने बात की थी, तो ये कहाँ आता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, तो आंसर नंबर 7 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, जी सर। फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, स्कार टिश्यू के अंदर जो है चोट लगने के बाद में एक पिगमेंटेड एरिया बन जाता है ठीक है, और ये एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है, जहां पर एपिथेलियल टिश्यू में मेटल में कुछ सेल्स होती है जो ग्रेन्युलोसाइट टाइप की होती है, ग्रेन्यूल डेवलप होते हैं ठीक है, और वही ग्रेन्यूल आगे चल करके मेलेनिन का फॉर्मेशन करते हैं जी, जी, जी। तो इसीलिए यहाँ पर अपन इसको ग्रेन्युलेशन ग्रेन्युलेशन टिश्यू के नाम से बोलेंगे, तो आंसर चला जाएगा अपना एपिथेलियल टिश्यू से ही रिलेटेड, एपिथेलियम से रिलेटेड। कई बार चोट लगती है तो देखा भी होगा इन लोगों ने, रिलाइज भी किया होगा बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पे या पैरों पे कहीं भी ग्रेन्युलेशन हो जाता है, हार्ड हार्ड सरफेस खोज हो जाती है उसके ऊपर जी, और जब चिकन पॉक्स होता है उसके बाद भी स्पॉट रह जाता है, स्पॉट रह जाते हैं धीरे धीरे डिसअपीयर होते हैं, तो ग्रेन्युलेशन से ही रिलेटेड है जी। तो नेक्स्ट आता है 43, the layer of connective tissue that separate the muscle tissue into small section is called as, जी यतिन सर डायग्राम बना रहे हैं आपके सामने और क्वेश्चन को भी समझा देते हैं आपको, कि लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो मसल टिश्यू को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर देती है, जी यतिन सर थोड़ा कलर सुनील जी ब्लैक कर दीजिए, हाँ बिल्कुल, तो जैसा सर ने बोला कि मसल टिश्यू को, तो ये एक पूरी मसल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक बात है, और इसके अंदर ये फैसिकुलस है, हाँ, इसके सेंटर में ये जो है वो मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर हो गया, इसको सुनील जी सिंगल मसल सेल भी कह सकते हैं ठीक है, और इस मसल सेल या मसल फाइबर के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है, उसको एंडोमाइशियम कहते हैं, एंडोमाइशियम कहते हैं। अब ग्रुप ऑफ मसल फाइबर जो है उसको फैसिकुलस कहा गया, इसके बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू की एक सीथ है जिसको पेरीमाइशियम कहा गया है ना, अब यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू बोला इसमें, इसका मतलब टिश्यू तो सेल का ग्रुप है, ग्रुप कहला गया, इसका मतलब काफी सारी मसल सेल, इसका ग्रुप फैसिकुलस है, फैसिकुला ही हो गया, उसके बारे में क्या है
पेरिमाइसियम हो गया। तो इतना ही अपने को पूछा है, ये नहीं पूछा है कि डिफरेंट ग्रुप के बाहर, इन्होंने तो केवल सेल के ग्रुप की बात की है, तो सेल के ग्रुप की बात की है तो अपने को अप्रोच करना है किसको, पेरिमाइसियम को, अप्रोच नहीं करना है किसको, एपिमाइसियम रीजन को जी। और सबसे बाहर की तरफ ओवरऑल जो है वो एपिमाइसियम को, एपिमाइसियम हो जाएगी। तो आंसर कौन सा चला गया अपना, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा लगा है, एंडो पेरी एपी, क्योंकि इसने साफ कह दिया है ना कि सेपरेट द मसल टिश्यू, ये एक मसल टिश्यू है, ये अनदर मसल टिश्यू है जिसको फेसिकुलाई के नाम से जाना जाता है, और इसको एक को तो क्या बोलते हैं, फेशिया, फेशिया तो वो कॉमन कोलेजन शीट हो, ओ सॉरी कॉमन कोलेजन शीट कहलाएगी, फेसिकुलस, ये फेसिकुलस हो गया, सारे फेसिकुलाई, फेसिकुलाई कहलाएगा, हां बिल्कुल। तो ये प्लूरल और जो सिंगुलर फॉर्म है उसको आपको याद रखना है, तो आंसर इसका चला जाएगा पेरिमाइसियम। नेक्स्ट चला जाता है 44, द मेडुलरी कैविटी ऑफ ए लॉन्ग बोन इज लाइंड विद ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाती है, एंडोस्टियम, ये एंडो सॉरी माइसियम बोल दिया, बोन बोन के लिए आ गया ना, बोन के लिए एंडोस्टियम चला जाता है, जो येलो बोन में जो कैविटी है उसको लाइन करने का काम करती है। सबसे बाहर की तरफ जो आपका पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम हो गया, ये येलो बोन मेरो कैविटी है, ये यहाँ की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ एंडोस्टियम ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जी सर, ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन द पेरियोस्टियम कैल्सिफाई, इट गिव राइज टू द थिन प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जब भी सुनील जी किसी हाइलाइन कार्टिलेज से जी जो बोन बनती है, तो हमारी ज्यादातर बोन कैल्सिफाइड बोन होती है ना, ठीक है, तो इनिशियली जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर होता क्या है, जब भी बोन का उससे फॉर्मेशन होता है तो इनिशियल ग्रोथ जोन ही होता है, ठीक है, बोन फॉर्मिंग जोन, और यहीं पर जो है वो कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो पेरियोस्टियम वगैरह बनने लगता है, तो इसी रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो इसी एरिया को जो है वो आपका जो है कॉलर, कॉलर रीजन के नाम से पेरियोस्टियल बोन कॉलर बोला गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आंसर अपना कौन से चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है इसका, क्योंकि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर तो ये है, हाँ, प्राइमरी तो ये है, और एपिफाइशियल प्लेट यहाँ पर होती है, तो लॉन्ग बोन के तीन पार्ट होते हैं ना, हाँ, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है, फिर भी बच्चे याद, ठीक बात है। तो लॉन्ग बोन के तीन पार्ट बताए हैं सर ने, सबसे टर्मिनल जो रीजन होते हैं ये तो कहलाते हैं एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, उसके बाद होता है मेटाफाइसिस, और बीच वाला जो सॉफ्ट रीजन है वो डायफाइसिस के नाम से जाना है। हालांकि ये ग्रोइंग स्टेज में होते हैं एडल्ट के अंदर, तो फिर दो ही हो जाते हैं, दो ही हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मेटाफाइजल जो, मेटाफाइसिस जो रीजन है वहां जो एपिफाइजल प्लेट पाई जा रही है ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय। एक बार ये क्वेश्चन भी ये थे सर, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, एपिफाइजल प्लेट कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बच्चा सोचता है एपिफाइसिस में प्रेजेंट होती है, लेकिन एपिफाइसिस में एपिफाइजल नहीं, मेटाफाइसिस में एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट होती है, जो इलोंगेशन ऑफ बोन के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाएगा 46, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। तो एंड ऑफ द लॉन्ग बोन की अगर बात करें तो ये सर कौन सी हो जाएगी, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज हो जाएगी, जो आर्टिकुलेशन करती है, बिल्कुल, इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, तो ये वाला जो रीजन बनेगा ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का रीजन कहलाता है, ठीक है, दो बोन के बीच में फ्रिक्शन को भी रोकता है ना। क्या अगर मैं यहाँ पर कहूँ की पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज रीजन में, हाँ, इसको कवर कर लिया तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी पेरियोस्टियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कनेक्शन का फंक्शन इसका कहलाता है, ये आंसर सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। फैट स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ अगर पूछ रहे थे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा फंक्शन है, तो अपन कह देते हैं कि हाँ वहां पर फैट स्टोरेज एडिपोज का आ जाता, और लेकिन एरियोलर का पूछा है तो कनेक्शन, क्योंकि एरियोलर जो है वो स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, ठीक है, उसी रेस्पेक्ट में आंसर चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 जी सर, बोन आर रिच इन, तो बोन के रेस्पेक्ट में बात की गई है, तो बोन के अंदर जो है सुनील जी 70% ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ठीक है, इसमें ओसिन प्रोटीन होती है, ओसिन प्रोटीन 70% नहीं 30% ऑर्गेनिक होता है, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, 30% ऑर्गेनिक होता है इसमें ओसिन प्रोटीन होती है, और 70% पार्ट जो वो इनऑर्गेनिक होता है, उस 70 के अंदर भी मैक्सिमम अगर देखें अपन 80% के आसपास कैल्शियम फॉस्फेट होता है, CA3PO4 2, ये जो है आपका 80%, बिल्कुल, एक बार कलर चेंज कर देते हैं, दिखेगा नहीं, और बच गया जो 20% है उसमें 10% अलग है और 10% अलग हो गया, तो बचा हुआ 10% जो है वो हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट और
और एक है मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो ये ग्रीन कलर वाला अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ से देख लेना, कैल्शियम फॉस्फेट 80%, लेकिन 80% किसका, इनऑर्गेनिक का जो 70% वो भी लिख दो एक बार। हाँ, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाई दूंगा। फ्लो चार्ट बनाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोन हो जाएगा, ठीक है। इस बोन में इनऑर्गेनिक की बात कर लेंगे और इधर ऑर्गेनिक की बात कर लेंगे जी। इनऑर्गेनिक की यदि सर बात करें तो क्या 70% लिख दें? लिख दीजिए, ये हो गया 30%। वो 30% इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इस 70% का Ca3PO4 जी कितना? तो ये हो गया आपका 80%। इस 70% का 80% हो गया, टोटल का 80% नहीं होगा क्योंकि इसका ये कहला गया। इसके अलावा क्या क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 2, PO4 2, ये होता है कितना? 10% के लगभग कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जी, ये हो गया 10%। ये 10% तो इनमें मैक्सिमम बोन के अंदर बच्चे जल्दबाजी करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लगा देते हैं, तो वो याद रखना कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। और ऑर्गेनिक में जैसे ये दिन सर ने अभी बताया कौन सा, ओसिन प्रोटीन होती है, ओसिन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी जी। बोन आर रिच इन, रिच पूछा है। तो ये दिन सर कौन सा करें, कैल्शियम सोल्ट एंड इलास्टिन फाइबर तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि इलास्टिसिटी तो होती ही नहीं है ना। तो फिर आंसर कौन सा चला जाएगा? कोलेजन फाइबर वाला चला जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट विद कोलेजन फाइबर, कोलेजन। और इसको भी आप लोग इस तरीके से याद रख सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा। The excess of nutrients which are not used immediately are stored in NCERT की ही लाइन है, स्टोरेज टिश्यू। हाँ, तो वो फिर फैट के रूप में स्टोर हो जाएंगे, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में। आंसर चला जाएगा डायरेक्टली सेकंड नंबर 2 जी। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन इन्वॉल्व, तो कार्टिलेज से बोन का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो कार्टिलेज को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो कार्टिलेज डिसॉल्विंग सेल जो कोंड्रियोक्लास्ट होगा, कोंड्रियोक्लास्ट सबसे पहले कोंड्रियोक्लास्ट वर्क करेगी और फिर उसका ऑसिफिकेशन होगा, बोन बनेगी, तो बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट वर्क करेगी। तो पहले कोंड्रियोक्लास्ट जो क्या करेगी, आप कार्टिलेज को डिसॉल्व करेगी, फिर ऑस्टियोब्लास्ट, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन देखना। तो इसको इस प्रकार याद रखना है ना, ये क्लास्ट है और ये ब्लास्ट है, ठीक है। क्लास्ट का सी का मतलब खा जाना, ठीक है, डिसॉल्व कर देती है, और बी का मतलब बनाना। तो इस प्रकार ये याद रह जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें सबसे पहले ये आना चाहिए, बाद में ये आना चाहिए। हाँ, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन, ज्यादा बेटर होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा चला जाएगा, डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड बी रीजॉर्प्शन बाय किसके द्वारा? तो ये उनको याद रख लेना कि कार्टिलेज फॉर्मिंग कोंड्रियोक्लास्ट ब्लास्ट और कार्टिलेज डिसॉल्विंग कोंड्रियोक्लास्ट, कोंड्रियोक्लास्ट और बोन फॉर्मिंग ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट और बोन डिसॉल्विंग ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये आज के 50 क्वेश्चन थे जिनमें हमने सारा एपिथेलियम टिश्यू के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर कर दिए, मोस्ट ऑफ द क्या, सारे कवर कर दिया अपने, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी बनती है, और उसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका भी कुछ पार्ट करवाया, ठीक है। अब रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यू अलोंग विद मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू, ये अपन जो है इसके सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है बच्चों। तो मस्ती करें, खुश रहें, और दीपावली के, अरे हाँ, इधर से पटाखे थोड़ी जला रहे हैं, एक बार वो टीवी पर खबर आ रही है कि चाइना ने यहाँ पर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पटाखों में भरी हुई है। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया इन चीजों से, कोई फर्क का मतलब ये नहीं है, चलाने हैं ना, दीपावली चलाने के लिए होती ही नहीं है भैया, तो पटाखे नहीं चलाने हैं वहां पर। अभी इतने सर मेरे घर पे भतीजा है छोटा सा, मैंने उससे पूछा क्या लेके आना है तेरे लिए, तो कहते हैं चाचू कुछ भी नहीं लेके आना है, क्योंकि दीपावली को तो चावल बनाएंगे तो वो घर पे खाएंगे, दिए जलाएंगे वो सारे घर पर हैं, तो बाहर से कुछ, मतलब बच्चे भी इतने समझदार हैं बच्चे। हाँ, तो पोल्यूशन भैया नहीं करना है अल्टीमेटली। कोविड वाला भी तो टाइम चल रहा है ना, तो जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है लोगों की, ठीक है ठीक है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ये दे सर कुछ। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित भी रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें, क्योंकि ये वो टाइम है, इसमें केसेस बढ़ भी सकते हैं क्योंकि क्राउडिंग होगी, नो डाउट बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, समय बढ़ रहे हैं, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रॉपर जो है वो उसको मेंटेन रखें, और हाय हेलो फोन पे ही कर लें, ज्यादा मिलने न जाएं, ठीक बात है। तो चलते हैं, ओके, थैंक यू।